ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। इन युवकों को शक था कि एक मुस्लिम महिला एक हिंदू पुरुष के साथ घूम रही है। उन्होंने महिला का पीछा किया और उसे परेशान करने लगे। लड़की का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया और वह परेशान कर रहे लड़कों से अपना फोन वापस देने के लिए कह रही थी। डराना धमकाना युवकों के संदेह के कारण शुरू हुआ कि वह एक हिंदू व्यक्ति के साथ घूम रही थी। हमले के वक्त लड़की शहर के मशहूर बीबी का मकबरा घूमने आई थी। लड़की से यह सवाल किया गया कि तुम किसी हिंदू लड़के के साथ क्यों चल रही हो। इसके बाद वे उसके साथ बदसलूकी करने लगे। उनसे बचने के लिए वह तेजी से आगे बढ़ी तो उनमें से एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। चिल्लाते हुए उसने उनसे अपना हाथ छुड़ाने के लिए विनती की। यह लंबे समय तक चला और इस घटना के बावजूद उनके आसपास के लोगों में से कोई भी लड़की की सहायता के लिए आगे नहीं आया। इसी दौरान आसपास के किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। सूचना पर बेगमपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस उपायुक्त दीपक गिरहे ने कहा कि महिला द्वारा शिकायत दर्ज करने से इनकार करने के बाद पुलिस ने खुद शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सर, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा था, क्या है मामला, क्या आपके पास क्या रजिस्टर? देखिए, आज जो किसी लड़की को छेड़खानी करते हुए कुछ लड़के हैं उनके बारे में जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ उसके रिगार्डिंग ये घटना 24 तारीख की है। और उसमें वो जो लड़की यहाँ बाहर गांव की है और यहाँ पढ़ने के लिए आती थी, तो उसे कुछ लोगों ने बेगमपुरा में ये बीबी का मकबरा देखने आ गई थी, तो उस समय कुछ बच्चों ने उनको लड़कों ने उसको मारा पीटा वगैरह कर दिया थोड़ा सा। तो उसमें जब हमको जैसे मालूम पड़ी तो उस समय हमारे जो ऑफिसर है और स्टाफ है वो वहाँ पर उनको वहाँ स्पॉट पर गया और वो लड़की को लेकर आए थे। उसको पूछताछ भी किया क्या किसने ये किया वगैरह, तो वो लड़की को और रिपोर्ट देने के लिए भी हमने उनको तकरार के बारे में उनको कहा और उनके जो घर वाले उनके पिताजी वगैरह हैं उनको भी मालूम दे दिया। और मालूम देने के बाद उनके पिताजी वगैरह सब आए थे, तो उनका कहना है कि हमें कोई इस चीज़ में कोई तकरार देने के नहीं, क्योंकि ये का पढ़ना भी चलो है और हमें कोई सब्जेक्ट में पढ़ना नहीं है। तो और उन जाओ कि हमने उनको कहा कि हम जो भी लड़के हैं जो भी उनके लिए कार्रवाई करेंगे आप एक टक्कर देंगे, लेकिन उन्होंने टक्कर देने से मना कर दिया। तो उसके रिगार्डिंग हमने फिर वो वीडियो वायरल किया, हमने जो उसे गंभीरता से लिया और हमारे जो वरिष्ठ ऑफिसर है उनके माध्यम से उनके मार्गदर्शन से हमने आज अभी उनके खिलाफ कायदेशीर कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ लोग हमने गिरोह में लिए हैं उनमें से और उनके ऊपर हम कागज कार्रवाई आज कर रहे हैं। जी, अब तक के कितने लोगों को डिटेन किया है सर? अभी 3 लोगों को फिलहाल डिटेन किया है और उनसे जो और एक दो लोग जो भी है हम उनमें से पूछताछ करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या किसी लड़की का हिंदू व्यक्ति के साथ घूमना पाप है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल मंथन चैनल को। धन्यवाद।